केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के ऊपर पानी की तरह पैसा खर्च किया जा रहा है, जिससे कि मरीजों को सुविधा मिल सके। इसी उद्देश्य से एम्बुलेंस 108 और 102 चलाई गई, जिससे कि मरीजों को समय पर उपचार मिल सके। लेकिन आज देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस सेवा फेल होती नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुरीन पर देखने को मिला। ये उपचार केंद्र क्षेत्र का बड़ा उपचार केंद्र माना जाता है, लेकिन मजे की बात ये है कि यहाँ पर कोई भी डॉक्टर तैनात नहीं है। यहाँ फार्मासिस्ट के ऊपर ही मरीजों का उपचार राम भरोसे किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दो एम्बुलेंस होते हुए भी एक भी चालू हालत में नहीं है। मरीजों को पुलिस की 100 नंबर गाड़ी या प्राइवेट वाहनों से मरीजों को अन्य हॉस्पिटल के लिए ले जाया जाता है। जब हमारी मंच न्यूज टीम ने वहां रह रहे एम्बुलेंस ड्राइवर से बात की तो उसने बताया कि यहां खड़ी 102 और 108 एम्बुलेंस 3-4 दिनों से खराब पड़ी हुई है। हमें भैया अमित जी ये बताइए, आप कौन से पद पर कार्यरत हो? पायलट, ड्राइवरिंग। कौन सी गाड़ी चलाते हो? 108। जो आपके पीछे जो गाड़ी खड़ी है ये किस स्थिति में खड़ी है? इसकी टाइमिंग बेल्ट टूट हुई है जी, जिससे ज्यादा देर गाड़ी चल नहीं सकती। 10-15 मिनट बाद चलेगी जी, इसकी गाड़ी गर्म होने लगेगी जी, इसलिए गाड़ी जानी होगी जी। ये आपके जो स्वास्थ्य केंद्र है ये शरीर में, इसमें क्या गाड़ी लगी हुई है? दो गाड़ी। दोनों गाड़ी खराब है जी। आपने किसी उच्च अधिकारी को अवगत कराया इसके बारे में? जी, सामान लेने गए हुए सामान लड़के सामान लेने गए हुए। अगर आपको ये कोई इमरजेंसी कॉल आती है तो फिर आप इस स्थिति में क्या करोगे? मजबूरी है ना जाने की, जब गाड़ी में गाड़ी ठीक नहीं है तो कैसे जाया जाए? अब गाड़ी जाती है, जब गाड़ी ठीक होती है तो सबकी सेवा भी करती है जी, पूरे रात दिन 24 घंटे चालू हैं। आज जो खड़ी हैं ये किस कारण है? बस इसकी टाइमिंग बेल्ट टूट गई 108 की, और 102 की तो एक आध दिन से खराब है। इसके जो इसके बैरिंग है वो टूटा हुआ है जी।